नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार के प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल की नियुक्ति की प्रक्रिया तय कर दी है। प्राथमिक स्कूल में प्रधान शिक्षक होंगे तो उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक। उनकी नियुक्ति के लिए नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब प्रमोशन से इन पदों को नहीं भरा जाएगा। दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि अब सीनियरिटी और प्रमोशन नहीं बल्कि इसके लिए मास्टर साहब को परीक्षा देनी होगी। सीएम ने कहा कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अब परीक्षा लेकर की जाएगी। सीएम की घोषणा के 2 दिन बाद बिहार सरकार ने कैबिनेट के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी दिलवा दिया। कैबिनेट ने 2 नियमावली को मंजूरी दे दी है। प्राथमिक विद्यालय के लिए बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई है। वहीं उच्च विद्यालयों के लिए बिहार उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली बनाई गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति के साथ साथ ट्रांसफर सेवा शर्त और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया तय कर दी गई है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में युवाओं के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका है। यूपीएससी ने अलग अलग विभागों में पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा। आवेदन 16 अगस्त 2021 से 2 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट लेने का लास्ट डेट 3 सितंबर 2021 है। यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान में विभिन्न पदों पर कुल 155 रिक्तियां भरी जाएंगी। इन पदों पर 35 से 50 वर्ष तक के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी यूपीएससी भर्ती 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मुंगेर नालंदा समेत कई विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति आज राज्यपाल फागू चौहान ने कर दी है। वहीं प्रति कुलपति भी नियुक्त किए गए हैं। 4 कुलपति और 4 प्रति कुलपति की नियुक्ति की गई है। इनके चयन के लिए बनी सर्च कमेटी ने एक पद के लिए 3-3 नामों की अनुशंसा की थी, जिसमें से एक नाम चयन किया गया है। चयनित नामों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ही राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे थे। राजभवन से लौटने के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर उनकी राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुई। उम्मीद है कि अब जल्द ही नियुक्ति को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस संबंध में आज ही राजभवन के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए 36 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी कर दिया है। राशि के जारी हो जाने से ग्रेजुएशन पास लाभुक बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि देने की कवायद और तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग 30 करोड़ की राशि जारी कर चुका है। इस राशि के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 12,000 छात्राओं के खाते में राशि डालने की कवायद पहले ही शुरू हो चुकी है। अब करीब इतना ही छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी जारी हो जाएगी। जानकारी हो कि इस योजना के तहत प्रति छात्रा 50,000 रुपये दी जानी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने चालू और पिछले 2 वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट 200 करोड़ का रखा गया है। इससे पहले के वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसके लिए वार्षिक बजट 300 करोड़ रखा गया था। हालांकि इस योजना के तहत 2019-20-21 और जुलाई 2021 तक 2,37,890 बालिकाओं के आवेदन लंबित हैं। विदेश में नौकरी और वीजा दिलवाने के नाम पर ठगी का मामला राजधानी पटना से सामने आया है। पटना में कई लोग एक ऐसे गिरोह का शिकार हुए हैं जिन्हें विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगा गया है। मंगलवार को ऐसे 6 पीड़ितों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इन सभी पीड़ितों का बयान दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही पटना में इस बात का खुलासा हुआ था कि एक कंपनी ने विदेश में नौकरी और वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की। पीड़ितों की तरफ से कंपनी के 15 आरोप के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। केस दर्ज कराने वालों में 4 लोग बाढ़ और फतुहा के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि दिल्ली और गुड़गांव के जालसाजों ने बिहार के दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है। इस मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जालसाजों ने कंपनी बनाकर लगभग 300 लोगों को चूना लगाया है और 60 लाख रुपये की ठगी की है।
महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। एक बार फिर एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने से बजट बिगड़ गया है। अभी महीने के बीच में ही पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। लिहाजा 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में मामूली कमी भी की गई है। आपको बता दें कि 17 अगस्त से नई दरें प्रभावी हो गई है। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 933 से बढ़कर 958 रुपये हो गई है। इसकी कीमत में 25 रुपये की वृद्धि की गई है। 5 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 344.5 रुपये से बढ़कर 353.5 रुपये हो गई है। इसकी कीमत में 9 रुपये की वृद्धि की गई है। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर कार्रवाई की है। बिहार के 18 जिलों के 165 शिक्षकों और कर्मियों के गायब रहने पर कार्रवाई करते हुए नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर वेतन कटौती करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच राज्य के सभी जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा किए गए अनुश्रवण में अनाधिकृत रूप से पाए गए 18 जिलों में 165 शिक्षकों और कर्मियों एवं अन्य कार्य दिवसों को होने वाले अनुश्रवण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों और कर्मियों को अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का वेतन नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर कटौती करने का निर्णय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। ऐसे में वोटिंग और उम्मीदवारों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। आयोग ने वोटिंग की लिस्ट भी फाइनल कर ली है। इसके अलावा चुनाव कौन कौन से उम्मीदवार लड़ सकते हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार 2 से ज्यादा संतान वाले चुनाव लड़ सकेंगे और कोरोना का टीका नहीं लगवाने वाले भी वोट दे सकेंगे। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होने जा रहे मतदान में वोटरों की फाइनल लिस्ट के हिसाब से राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7,49,65,804 है। इनमें से पुरुष वोटरों की संख्या 3,93,88,722 है और महिला मतदाताओं की संख्या 3,55,74,340 है। थर्ड जेंडर मतदाता भी 2,742 है। आयोग ने इसी साल फरवरी में जब फाइनल लिस्ट पब्लिश की थी तो 2,18,217 वोटरों को सूची से बाहर कर दिया था। ये वैसे वोटर थे जिनका एक से ज्यादा जगहों पर नाम था। बिहार में बाढ़ से हालात भयावह हो गए हैं। नदियों के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कई गांव डूब चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का निरीक्षण करने के बाद तेजस्वी नवादा जिले के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनुरुद्ध यादव द्वारा बनाए गए अथमल गोला में बाढ़ राहत शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ की वजह से लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक काफी एक्टिव होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। नवादा के विधायक द्वारा बाढ़ राहत शिविर के जरिए हर दिन 5,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों से विधायक नेता और कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जनसेवा में लगे हुए हैं। तेजस्वी ने बताया कि पटना के कई इलाकों में गंगा नदी के जलस्तर में कमी जरूर हुई है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बाढ़ के पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चूंकि अभी कोरोना महामारी का भी खतरा है, वैक्सीनेशन अभियान भी इसी क्रम में तेजी से चल रहा है, तो सरकार को इस तरफ सजगता से ध्यान देने की जरूरत है। तेजस्वी ने कहा है सरकार बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपये दे रही है, उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर देने चाहिए ताकि महंगाई की वजह से किसी परिवार को अपनी जरूरतों को पूरा करने में परेशानी न हो। बिहार के सभी अंचलों में रिकॉर्ड रूम को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 150 अंचलों के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम पूरी तरह तैयार हो गए हैं। इसके उद्घाटन के बाद लोग अपने अपने अंचलों में जाकर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का लाभ उठा पाएंगे। इस बात की जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने दी है। रैयत जमीन से जुड़ी सभी तरह के दस्तावेजों की प्रति रिकॉर्ड रूम से लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पंजी टू खतियान समेत अन्य राजस्व दस्तावेज शामिल है। इसके लिए उन्हें मामूली शुल्क का भुगतान
भरना होगा। शुल्क दस्तावेज के आकार के आधार पर 10 रुपये से 50 रुपये के बीच रखा गया है। न्यूनतम 10 से 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नक्शे के लिए आवेदक को 150 रुपये प्रति सीट की दर से भुगतान करना होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।